यूपी के अमरोहा पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। आरएलडी सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि मतदाता मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले और देश के विकास, गरीबी उन्मूलन, किसानों के सम्मान के लिए एनडीए को वोट करें। अंतिम घड़ी है, मतदाता मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले और देश के विकास के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, किसानों के सम्मान के लिए मतदान अवश्य करें, फिर 5 साल मलाल और पछतावा रह जाता है। अब मौका है ना छोड़ें। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ देश में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देंगे। हम इनकी बातों का क्यों यकीन करें? प्रधानमंत्री जो विकास पुरुष, उन्होंने कहा है कि कोई भी देश ये संविधान को छू तक नहीं सकता, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें हैं अमरोहा के पपसरा की, जहां पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह के पुत्र चौधरी सरजीत सिंह ने आज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। चौधरी जयंत सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि अमरोहा में एनडीए प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर को अपना आशीर्वाद दें, संसद भेजने का काम करें। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा में भारी कन्फ्यूजन है, उनके नेता टिकटों का बंटवारा अभी तक नहीं कर पाए। सुनी चौधरी जयंत सिंह ने और क्या कुछ कहा। रिपोर्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह। जो कुछ कसर रह गई थी, जब लोकदल और बीजेपी एक साथ आ गए उसके बाद कोई कसर कहीं नहीं रही। कोई राष्ट्रीय लोकदल मैं को सुचारू रूप से बनाकर रखें और अपने अपने स्थान ग्रहण करें। जय चौधरी। सबसे ऊपर कमल का बटन है, ये दबा देने मेरे भाइयों। बाकी आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सेवा में कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं दिल की गहराइयों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी जयंत जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चौधरी जयंत सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोरदार पालन से आप भी एक बार अपने नेता का स्वागत कर दीजिए। उम्मीदवार तंवर सिंह तंवर जी, सांसद मयूर नागर जी, सरजीत जी, जिनके गाँव में आज हमें अवसर मिल रहा है आने का, और हमारी पार्टी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं, हमारे विधायक ढिल्लो जी, एक अच्छा अवसर है। चुनाव के फैसले की घड़ी आ गई, आज प्रचार का आखिरी दिन है और अब तक धुआंधार प्रचार भी हुआ। सामने वाले तो लोग उस हिसाब से वोट भी नहीं मांग रहे जितनी सभाएं और कार्यक्रम लगातार इस जनपद में भी हुए हैं। पहले चरण के चुनाव मैंने देखे थे, अब दूसरे चरण का चुनाव हर क्षेत्र में बार बार कोई ना कोई मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री गए हैं। मेरे आज यहाँ दूसरा कार्यक्रम इस लोकसभा क्षेत्र में लग गया और जो लोगों को मन में देख रहा हूँ। जो आज की राजनीति, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का द्वितीय चरण के लिए, तो खास करके आज आपने जो यहाँ पर रैली की है उसमें क्या विशेष? जब लोहा गर्म होता है तभी चोट मारने में मजा आता है। तो अंतिम घड़ी है, प्रचार का आखिरी दिन है, आखिरी पल, कोई कमी ना छोड़ी जाए। मैं अपील करता हूँ कि मतदाता जरूर निकले, कोई चूक ना करें, फिर 5 साल मलाल और पछतावा रह जाता है। अभी मौका है और सरकार की जो अच्छे काम हुए हैं गरीब के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, करोड़ों घर बन गए, शौचालय बन गए, सड़कें बन गई, आवागमन लोगों का आसान हो गया। अगले चरण में हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को फिर दोबारा नए चरण से बढ़ाया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में आवास हैं एक अच्छा महत्वाकांक्षी लक्ष्य उसके लिए तय हो, किसानों के लिए अच्छे काम हो, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के लिए सरकारें काम करें। अगर ये सारे काम लोग कराना चाहते हैं तो मतदान जरूर करें। वो साफ तौर पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो और मुख्यमंत्री आते हैं तो वो सिर्फ पूजे खोजती। मैंने तो आज नाम भी नहीं लिया बेचारे दानिश का। उनके यहाँ कंफ्यूजन है, कौन उतरेगा और कौन लड़ेगा और किसका नामांकन होगा, किसको सिंबल मिलेगा,
किसी को मालूम ही नहीं, उन्हें खुद नहीं मालूम। अभी फिर चर्चा चल रही है कि खुद लड़ेंगे। राजनीति के मूल संस्कार को वो समझें। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, सबकी कोशिश होती है सत्ता में आओ और अपने काम हो। आम आदमी पार्टी, हमने अपनी नीति नहीं छोड़ी, विचार नहीं छोड़े, उन्हीं विचारों को लेकर चलेंगे। गुजरात से इन्होंने जो है तानाशाही की शुरुआत कर दी है सूरत से। ये डर बनाया जा रहा है भाई, आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, अब इनकी बात पे विश्वास करें, प्रधानमंत्री पे करेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं संविधान की शपथ मैंने ली है, संविधान का सम्मान मैं करता हूं, देश के लिए ग्रंथ है ये भारत का संविधान, कोई नहीं बदल सकता। भारत के संविधान की जो मूल धारणा है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सरकार किसी की हो जाए। और इतना दो टूक जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, तब भी ये जो बेकार की बात कर रहे हैं कि आगे चुनाव ही नहीं होगा, ईवीएम खराब है, फिर भी हमें वोट दे दो, तो इनके लिए वोट क्यों देखो? 2024 में भाजपा की सरकार बनती है, 2024 में अगर भाजपा की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे मुझे लगता नहीं किसी भी, उन्होंने जो अर्थ के जानकार हैं, उनके यहाँ वित्त मंत्री रहे, अर्थ के बड़े शास्त्री हैं, उन्होंने उनसे भी पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा गया कि जो आप बांटने की बात कर रहे हो कि हर जो है साल में 1 लाख हर गरीब को दे दोगे, अप्रेंटिसशिप एक्ट हर नौजवान को पैसा दोगे, ये संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे और कितना इसमें लागत लगेगी, वो कांग्रेस के प्रवक्ता खुद नहीं बता पाए कि कितना पैसा लगेगा। तो अब तक आपने हिसाब ही नहीं किया कि कितना पैसा इन योजनाओं के लिए चाहिए। जब आप क्रियान्वित करोगे सरकार में, कल इनको बैठा भी देते हैं तो ये तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देंगे। गांधी सदी की सभा में 5 बार कार्यकर्ताओं में आपस में मारपीट हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कुछ नहीं हूँ। देखो हमारे यहाँ के लोग थोड़े ऐसे ज्यादा हैं, वो तो भाजपा की सरकार वो जुबान पे कम और उसमें एकदम बॉडी को एक्शन में ले आते हैं। 2024 में भाजपा की सरकार बनती है, आरएलडी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी सरकार में, ये मंत्रालय मिलेगा? देखिए ये भागीदारी हम थोड़ी ना सुनिश्चित करेंगे, ये तो प्रधानमंत्री की क्रिया होती है, ये उनकी सोच और विजन होता है, वो टीम बनाते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं। और हमारी कोई मांग नहीं है मंत्री बनने के लिए, मंत्रालय के लिए सरकार में नहीं आए, ये तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है और एक इच्छा शक्ति जाहिर की सरकार ने कि किसानों के लिए सरकार और काम करना चाहती है, इसलिए हम लोग साथ आए। वो तो हमारे लोकदल के लोग जानते ही हैं। अब पार्टी के विस्तार के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए मैं मेहनत करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कार्यकर्ता आगे उसमें ध्यान दें।